की कथा है, परमात्मा का कीर्तन है, ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। आत्मरंजन आमतौर पर हम और आप लोग जितनी कथाएं, जितने प्रवचन, जितने भजन सुनते हैं वो मनोरंजन है, मन के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए। जैसे अभी दो चार नाचने वाले आपने बुलाए हुए थे, वो आत्मरंजन नहीं है, वो मनोरंजन है। वहाँ मन की प्रसन्नता, परमात्मा की प्राप्ति वहाँ नहीं। थोड़ी देर नाच लिया, गा लिया, कूद लिया, उससे आपकी आत्मा की संतुष्टि होने वाली नहीं है। आत्मनेवा आत्मतुष्टये, शास्त्र कहता है कि पहले तो हम ये जाने कि जहाँ हम आए हैं वहाँ आए क्यों हैं। दरअसल हम और आप जो आजकल तीर्थों पर आते हैं, वो आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अधिकतर आप सबका तो पता नहीं, परंतु 90% लोग करीब करीब तीर्थों में आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। लोगों को लगता है कि आउटिंग हो जाएगी, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बाहर घूमना भी हो जाएगा, लेकिन वहां तीर्थ का महत्व खत्म हो जाता है। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, हरिद्वार से। आपने अभी सुना ही होगा 15 और 16 तारीख को भगवान ने क्या करके आपको दिखाया है। देखिए, तीन प्रकार के प्रकरण होते हैं हमारे वेद में, शास्त्रों में। समझिए जरा बात को, आप अमरनाथ जी में आए हैं, अमरनाथ जी का मतलब क्या है वो तो समझें पहले, फिर उनका दर्शन करें। तीन पद्धतियां हैं किसी को ज्ञान देने की, किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाने की, किसी को उपदेश देने की। तीन पद्धतियां हैं, पहली है लिख करके, दूसरी है बोल करके, और तीसरी है क्रियान्वित करके, कर्म के द्वारा। लिख करके, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई, रामचरितमानस की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। ये आप लोगों को लिख करके समझाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परमात्मा क्या कर सकता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकता, ये आपको लिख करके समझाया गया। और दूसरा बोल करके, शब्दों के द्वारा। ये हम आजकल जो कथावाचकों की भीड़ लगी है, बाढ़ आई हुई, इतने श्रोता नहीं है जितने कथावाचक। ये पंडित जी वृंदावन के, वृंदावन में मुझे लगता है कि एक आवाज लगा दो तो 10,000 भागवत के वक्ता निकल आएंगे कम से कम। बाढ़ आई हुई है वक्ताओं, वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपदेश वेद में कौन सा बताया है? लिखा हुआ नहीं, कहा हुआ नहीं, जो क्रिया के द्वारा आपको बताया जाए, जरा समझना। लेकिन उनका एक नाम है प्रलयंकारी। क्या नाम है? प्रलय करने वाले। मैं क्या कर सकता हूँ ये करके दिखा दिया उन्होंने केदारनाथ में, ये करके दिखाया उन्होंने। ये समझना जरा मैं जो कहना चाहता हूँ। आप लोग तीर्थों पर आते हैं, जरा बात को समझिए। मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप तीर्थों में तीर्थ की दृष्टि ना रख करके एक होटल की तरह, एक पिकनिक की तरह, एक मटर गश्ती करने की तरह, आउटिंग करने की तरह आते हैं, तो महती विनश्यति बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। इसको आप जरा समझिए, क्योंकि हमारा एक आश्रम हरिद्वार में, एक बद्रीनाथ जी में, आपको हैरानी होगी कि जितने लोग बद्रीनाथ आते हैं 70-80% लोगों के बैग में शराब होती है। निकृष्ट कर्म करते हैं। अब जब आप निकृष्ट कर्म करेंगे, न करने योग्य कर्म जब आप करेंगे, तो महाराज परमात्मा क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगी, ये परमात्मा ने आपको करके दिखाया है अपने कर्म के द्वारा। समझे कि अमरनाथ जी में हम आते हैं, क्यों आते हैं? आप लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, नाचने गाने वाला सिस्टम तो हमारे पास नहीं है, नहीं तो भीड़ लग सकती। दरअसल सुनार की दुकान पर आपको भीड़ जल्दी मिलेगी भी नहीं, लोहार की दुकान पर तो भीड़ मिलेगी, सुनार के यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। वहां तो कोई इक्का दुक्का, कोई जोरी, कोई गहने खरीदने वाला जाता, वहां भीड़ नहीं होती। समझना जरा बात को, कि हम अमरनाथ जी
में आए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे, आप में से कोई मथुरा गया, मथुरा कौन कौन गए, बहुत लोग गए, मथुरा का क्या प्रसिद्ध है, हाँ जी थोड़ा जोर से पेड़ा क्या प्रसिद्ध है, क्यों भगवान कृष्ण प्रसिद्ध नहीं है, क्या ख्याल है आपका। लेकिन ध्यान कहाँ अटका है, पेड़े पर ध्यान कहाँ अटका है। अमरनाथ जी में 80% लोग तो लंगरों की व्यवस्था देखने आते हैं कि लंगर में कितना बढ़िया लगा और किसने कितनी वीआईपी आइटम बनाई। अब समझना जरा, तीर्थ में हम आए हैं, हमको तीर्थ में आने का अर्थ पता होना चाहिए, तीर्थ में आकर के हमको क्या प्राप्त हो सकता है, हमको ये पता होना चाहिए। आप परमात्मा का भजन घर में बैठ के करो ठीक है, मंदिर में बैठ के करो ठीक है, कहीं भी करो। पहले समय में तीर्थ में लोग आते क्यों थे, कि घर के प्रपंच को घर में छोड़े, तीर्थ में जाकर चिंतन करें परमात्मा का। लेकिन आज तीर्थ में आकर हम परमात्मा का चिंतन कम करते हैं, दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, दुकान पर फोन कर लेते हैं, कोई आया तो नहीं, कितना माल आया, बैंक में कितना जमा हुआ। महाराज घर को आप अपनी जेब में डाल के ले आते हो, अगर बात गहराई से लेके तीर्थ का महत्व तो आज हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। हम बैठे हैं अमरनाथ जी में, हमको अभी तक यही पता नहीं कि यहाँ अमरनाथ जी में बर्फ का एक दिव्य शिवलिंग बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण है कि भगवान शंकर यहाँ आकर के विराजमान हुए, उसको विशेषता होगी, क्या ख्याल है आपका, कोई कोई विशिष्टता, कोई विशेषता तो होगी। हम कल जब आ रहे थे श्रीनगर क्रॉस करके, तो एक भजन हमारे गा रहे थे गायक, असी व्यूस था क्यों ना रही है, तू बसदाए जिते, तू मेरा मैं तेरा शंकर, फर्क रह गया। वो कह रहे थे कि असी में उस था क्यों ना रही, तू बसदाए जिते, भगवान शंकर यहाँ आकर के बसे, जगह की कोई विशेषता तो होगी कि नहीं होगी। तुम्हारा बरनाला पसंद नहीं आया, मोगा पसंद नहीं आया, पंजाब के एक से बढ़िया एक वीआईपी शहर है वो पसंद नहीं आए, यहाँ आकर के गुफा में बैठे, कुछ जरा सोचने की बात है कि नहीं। तुम्हारी पंजाब की सरकार, पंजाब से आ रहा हूँ, एक दिन में 8 घंटे बिजली का कट लगाती है, कितना, यहाँ के पता है शंकर जी को बैठे, यहाँ एसी की प्रॉब्लम नहीं है, 12 महीने यहाँ एसी चलता ही रहता है, शंकर जी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। आप भगवान की एक एक व्यवस्था बड़ी गजब की, जरा समझिए कि अमरनाथ जी की ये परंपरा चली क्यों, कहाँ से चली, कहाँ से हमने इसको जाना, क्यों भगवान शंकर ने इस स्थान को चुना। भगवान शंकर जहाँ बैठ जाए वो स्थान तो पवित्र हो ही जाता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको भगवान शंकर विशेष रूप से चुनते हैं, उन्हीं में से एक स्थान है ये श्री अमरनाथ जी का। नाम देखिए कितना पवित्र है, विचार करने की बात है, यहाँ भगवान का नाम है अमरनाथ, और इस जगत में अगर कोई अमर हुआ है तो वो भगवान शंकर है, बाकी कोई नहीं। बाकी तो गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी कह रहे हैं, राम गयो रावण गयो जाम को बहु परिवार, कहो नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार, राम आए तो राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण आए तो कृष्ण को भी जाना पड़ा। आपको कृष्ण के आने का भी पता है, कृष्ण के जाने का भी पता है, राम के आने का भी पता है, और राम के जाने का भी पता है। क्या आप में से किसी को पता है शंकर जी का जन्मदिन कब था है? या गए कब? ये पंडित जी भागवत करते हैं बहुत सुंदर, और जानते हैं, कहते भी होंगे भागवत में, आपको हैरानी होगी कि भागवत में भगवान कृष्ण के जन्म की चर्चा 10वें स्कंद में आती है, जन्म की चर्चा 10वें स्कंद में, और मृत्यु की चर्चा 2 स्कंद में आती है। विचार कीजिए, पहले मृत्यु और बाद में जन्म, इसका मतलब क्या है, भगवान कितनी दिव्य प्रेरणा देते हैं कि मानव तेरी मृत्यु तेरे जन्म से पहले ही निर्धारित कर दी गई, तू कब मरेगा ये पहले से सुनिश्चित है। एक बात ध्यान रखना, इस जगत में 2 चीजें ऐसी हैं जो घटती और बढ़ती एक साथ है, बाकी और कोई चीज ऐसी आज तक नहीं बनी जो बढ़े और घटे एक साथ नहीं। टैंकी में पानी बढ़ेगा तो घटेगा नहीं, और घटेगा तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक चीज परमात्मा ने ऐसी बनाई आपके लिए जो एक साथ घटती भी है और एक साथ
बढ़ती भी है वो क्या है, वो है आपकी आयु। जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी ही घटेगी। और इस जगत में एक ही चीज सुनिश्चित भी है और अनिश्चित भी है, सुनिश्चित भी है और सुनिश्चित है, मृत्यु होगी ये पक्का है। मृत्यु होगी ये कब होगी ये पक्का नहीं है, निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। वो क्या है, मृत्यु। तो आप अमरनाथ जी की पवित्र भूमि में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ जी का वास्तव में मतलब क्या है। यहाँ जो शिवलिंग बनता है, वैसे तो शंकर जी अनंत है, ये आकाश उनका लिंग है। आकाश क्या है, आप कभी गौर से देखना, कल बाहर खड़े हो जाना और दो चार मिनट आकाश को देखते रहना। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, आपको आकाश की आकृति शिवलिंग के जैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी, भगवान का शिवलिंग तो आकाश है, इसीलिए शंकर जी का एक नाम है चिदाकाश। शंकर जी का एक नाम क्या है, चिदाकाश। आकाश रूप में, आकाश का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग बनता है वो बनता है बर्फ का। काहे का बनता है, और बहुत लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए दर्शन देता है, कुछ समय के लिए कृपा करने के लिए भक्तों को दर्शन दे। अब बर्फ का स्वभाव क्या है, पहले ये समझिए, बर्फ जल है, जल जब जम जाता है तो किसका रूप हो जाता है, पानी का। अपना कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार है। पानी को जिस बर्तन में डाल दोगे उसके जैसी आकृति हो जाएगी। पानी को क्या कहते हैं, निराकार। आपको पता होगा संस्कृत में पानी का नाम ही नीर है, नीर आकार, जिसका कोई आकार नहीं, पानी का कोई आकार नहीं। बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी के जैसा, गिलास में डाल दिया, गिलास के जैसा। लेकिन कोई पानी जिसका कोई आकार नहीं था, अगर उसी को फ्रिज में रख दिया जाए, बर्फ बना दिया जाए, तो उसी निराकार का आकार बन जाता है कि नहीं, उसी निराकार का आकार बन जाता है। समझना, परमात्मा है तो निराकार, लेकिन जब भक्त उसको मिलकर के पुकारते हैं, वही निराकार परमात्मा तुम्हारे आगे साकार बन करके प्रकट हो जाता है। होते हुए भी तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी एक विशिष्ट पराकाष्ठा भक्ति की जब देखता है, तो वही निराकार साकार बनकर के खड़ा हो जाता है। एक बात विचार करना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है, और नहीं भी आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लूंगी। कृष्ण कन्हैया लाल, समझने की बात, विचार करना जाए। आप सनातन वैदिक परंपरा में किसी भी मंदिर में जाइए, हजारों लाखों मंदिर है हिंदू धर्म में, आप जिस भी मंदिर में जाएंगे, करीब करीब 95% मंदिरों में भगवान की मूर्तियां आपको खड़ी हुई मिलेंगी। भगवान की मूर्तियां कैसी मिलेंगी, अरे बोलो ना, बैठी हुई कम और खड़ी हुई ज्यादा। राधा कृष्ण जी खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण जी खड़े हैं, सीताराम जी और अर्धनारीश्वर जी। आपने कभी विचार किया कि सभी मंदिरों में परमात्मा की मूर्तियां खड़ी क्यों रहती, बिठा नहीं सकते क्या, नहीं, करीब करीब 95% मंदिरों में भगवान की मूर्तियां खड़ी रहती, उसका कारण कभी विचार किया। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे दिल से पुकारे तो सही, बैठ कर उठने में जितनी देर लगती है मैं तो कभी उतनी देर भी नहीं करता हूँ। हमारे पुकारने में देर है, परमात्मा के साकार होने में देर है। महाराज हम तो टिक्की छोले और गोल गप्पे के चक्कर में पड़े हैं, परमात्मा इसी लिए हमसे दूर है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं आपके पंजाब के संग में, बुल्लिया रब तेरे कोलो वख नहीं, रब तो बिना इत्थे कख नहीं, पर तेनू ताइयों दिखदा कख नहीं के तेरे कोल वेखण वाली अख नहीं। हमारे पास आंख नहीं कि हम परमात्मा को देखे, हमारा मन संसार में टिका है महाराज। और ध्यान देना, जब तक मन संसार में टिका रहेगा आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। ये जो यात्रा में आप आनंद लेंगे, नाच गाने का आनंद लेंगे, ये क्षणिक है, ये बहुत दिन तक टिका रहने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने वास्तविकता को समझ लिया कि अमरनाथ जी का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ आपका पूरा जीवन आनंद में ना बीत जाए तो कहना परमात्मा यहाँ निराकार से साकार होकर आपको दर्शन देता है। निराकार से साकार होकर के आपको दर्शन देता है। अब समझिए अमरनाथ जी का मतलब क्या है।
ये कथाएं आमतौर पे आप लोगों को पता नहीं होता है। आप लोग 2 रुपए की पुस्तक में या कैसेट में जो सुन लेते हो आपको लगता है कि वही सत्य है। भगवान शंकर के पास में 8 नाग रहते हैं। कितने नाग? 8। अष्टकुल नागेभ्यो नमः, हमारे यहाँ वेद में मंत्र आता है, नमोस्तु सर्पेभ्यो, ये केचा पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षे, ये पृथ्व्याम तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। 8 कुल हैं। आप अमरनाथ जी के इर्द गिर्द ध्यान से अगर यहाँ क्या भूगोलिक परिवेश देखेंगे, यहाँ भी 8 नाग बसते हैं। कितने नाग? शेष नाग, अनंत नाग, और रस्ते में कितने आए थे? 8 के 8 नागों के नाम से यहाँ शहर बसे हुए हैं। अगर आप गहराई से चिंतन करें, भगवान शंकर के विराजमान होने की ये जगह है। एक बात मैं आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, भगवान न करे किसी के घर में आग लग जाए या चोर आ जाए, आग लग जाए या, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, पहले पड़ोसी काम में आएंगे कि रिश्तेदार? बोलो। लेकिन किनके पड़ोसी काम आएंगे? जिनकी पड़ोसियों से बनती होगी, जिनकी पड़ोसियों से। घर में आग लग जाए, चोर आ जाए, पहले रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। पहले कौन काम आएगा? रिश्तेदारों को फोन करोगे, चिट्ठी डालोगे, तब आएंगे। और पड़ोसियों को दिख गया कि कुछ गड़बड़ है, आवाज सुनते ही अपने आप निकल करके उनको बुलाना भी। अब समझना जरा बात, 3 देवता बड़े प्रसिद्ध हैं अपने हिंदू धर्म में, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और पंडित जी बैठे हैं विद्वान। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी कहाँ रहते? अरे बोलो ना। और विष्णु जी कहाँ रहते हैं? बैकुंठ लोक में। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? ना तो तुमने बैकुंठ लोक देखा और ना तुमने ब्रह्मलोक देखा। और शंकर जी कहाँ रहते हैं? बोलो तो कैलाश पर्वत कहाँ है? धरती पर, अपने भारत के पास में, पड़ोस में। तो शंकर जी अपने पड़ोसी हो गए कि नहीं हो गए? तो पहले काम कौन आएगा? अरे बोलो। और ध्यान देना, शंकर जी की पूजा इस जगत में सबसे आसान। ना तो इनको मक्खन चाहिए, ना इनको मिश्री चाहिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे काम नहीं आता वो हमको दे दो, जो तुम्हारे काम नहीं आता वो। शंकर जी के मंदिर जाते हो कभी? हाथ खड़े करो तो कौन कौन जाते हैं? अगली बार जब जाओ तो ध्यान देना, शंकर जी की पूजा कितनी आसान है। लोटा भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का और पानी भी, हो गए बाबा जी प्रसन्न। इससे आसान कोई पूजा होगी? ध्यान देना, जिस भी देवता का दर्शन तुमको करना हो, गर्दन उठा के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सीताराम जी के मंदिर में जाओ, ऊपर देखना पड़ेगा। राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, कैसे देखना पड़ेगा? लेकिन शंकर जी की पूजा जब भी करोगे, लोटा पानी का लोगे, गर्दन झुका करके करोगे, शंकर जी तुमको झुकना सिखाते हैं, शंकर जी तुमको विनम्रता सिखाते हैं। ये शंकर जी का विचार करने की बात। और देखना, अपने सनातन वैदिक धर्म में कहीं भी किसी भी देवता के, पंडित जी अगर हुई हो तो मुझे बता देना, किसी भी देवता के पूरे परिवार की पूजा नहीं होती, किसी भी देवता के पूरे परिवार की पूजा। राम जी की बहुत पूजा होती है, लेकिन दशरथ के मंदिर तो नहीं मिलते, लव कुश के तो नहीं मिलते। कृष्ण जी की बड़ी पूजा होती है, देवकी वसुदेव के मंदिर कहीं मिलते, नंदराय और यशोदा के मंदिर कहीं, या उनके बच्चों के मंदिर मिलते हो। आधे से ज्यादा लोगों को तो कृष्ण के बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, राम जी के तो 2 ही थे इसलिए तुमको, बोलो, इनके भी दर्जन भर होते तो तुमको इनका भी पता नहीं चला। राम जी के तो 2 थे इसीलिए तुमको पता, इनके भी थोड़े ज्यादा होते तो इनके भी नाम तुमको याद रहने वाले नहीं थे। भगवान कृष्ण के बच्चों के तो तुमको नाम भी याद नहीं होंगे, मंदिर दूर की बात, पूरे परिवार की कहीं पूजा नहीं होती। लेकिन शंकर जी का परिवार ऐसा है जहां पूरे परिवार की पूजा होती है, जहां पति की पूजा होती है वहां पत्नी रूप में माँ गौरा की भी पूजा होती है, जहां पिता की पूजा होती है वहां गणपति और कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है, और तो छोड़िए उनके गले के सांप की भी पूजा होती है। उनके गले के सांप को छोड़ो, सांप से तो तुम डर के भी पूजा करते हो, आधे से ज्यादा तो नाग की पूजा
ये बीबियां बैठी हैं, नाग पंचमी मनाते हो? झूठ नहीं बोलना, डर के मनाते हो कि ईमानदारी से मनाते हो? आधी से ज्यादा डर के मनाती, कहीं नागराज निकल ही ना आए। नाग की पूजा तो डर के, लेकिन शंकर जी की तो गाड़ी की भी पूजा होती। भाई उस सब जमाने में गाड़ियां नहीं थी, बैल उनकी गाड़ी तो है, और क्या, उनके वाहन की भी पूजा होती है। और देखिए देवताओं में पहले देवता की पूजा, बाद में उनके गणों की पूजा, लेकिन शंकर जी की कितनी गजब की व्यवस्था है कि शंकर जी की पूजा बाद में, उनके गणों की पूजा पहले। मंदिर में बाद में घुसोगे, पहले नंदी जी को प्रणाम करना। बोलो ना, भगवान कहते हैं कि जिसने छोटों को गले लगाना सीख लिया, जिसने छोटों को प्रणाम करना सीख लिया, वो मुझ तक पहुंच सकता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो अहंकार में जीता है वो कभी भी मुझे प्राप्त कर सकता नहीं है। ये भगवान शंकर जी का गुण है हमारा। जितनी शिक्षा आपको शंकर जी देते हैं, दूसरा कोई देवता शिक्षा उतनी आपको दे सकता? बोलो ना। शंकर जी का पूरा परिवार बड़े गजब का, शंकर जी का पूरा परिवार, अरे बोलो ना, कितने बच्चे हैं इनके? बोलो, तीन। तो तुम अब नाटक देख के कह रहे हो। शास्त्रीय पद्धति में भगवान शंकर के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? बात जरा प्राइवेट है, आगे किसी को नहीं कहना। और दो बेटों में एक में माँ की जरूरत नहीं पड़ी, एक में बाप की नहीं पड़ी। हाँ देख लो हिसाब किताब लगा के। गणेश जी में बाप की जरूरत और कार्तिकेय जी में, एक में बाप की जरूरत नहीं पड़ी और एक में। बच्चे कितने इनके? तो परिवार नियोजन को मानते हैं बच्चे, ज्यादा भीड़ नहीं करना। किसको मानते हैं बोलो? नहीं नहीं शिक्षा लो जरा, समझो, हंसने की बात नहीं। गणेश जी हाथ में बही खाता लेके बैठे, साथ में लक्ष्मी, हाथ में बही खाता। और ये बात अलग है कि बरनाला वालों ने ढोलकी पकड़ा दी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ये अलग बात है। बाकी तो गणेश जी के हाथ में क्या मिलेगा आपको? बही खाता, साथ में लक्ष्मी। और कार्तिकेय जी क्या है? ये है सेनापति। कार्तिकेय जी क्या है? सीखो शंकर जी से। दो बच्चे हैं, एक के हाथ में बही खाता, मतलब एक को व्यापार में लगा दिया, एक को व्यापार में लगा दिया पैसा कमाने के लिए, और दूसरा है सेनापति, माने एक को देश की रक्षा में छोड़ दिया, सेनापति बना दिया, सैनिक बना दिया। दो बच्चे हो तो एक को धन कमाने के लिए छोड़ो, दूसरे को देश की रक्षा करने के लिए छोड़ो। आप विचार करो, हजारों लाखों लोग अमरनाथ में आते हैं, अगर ये सैनिक लोग आपकी रक्षा ना करते तो क्या आप अमरनाथ में आकर के भगवान का दर्शन कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं, एक बच्चे को धन कमाने के लिए लगा दो और दूसरे को देश की। लेकिन तुम्हारे होते ही दो हैं, एक मुंडा ते एक तियानू जवाई ले गए ते पुत्तानू ते सेना चकीनू भेजिए महाराज। तुम्हारे यहां समस्या ही बड़ी गजब की। भगवान शंकर का एक एक रूप, भगवान शंकर का एक एक अंग प्रत्यंग, भगवान शंकर की एक एक लीला, भगवान शंकर की एक एक क्रिया मानव को दिव्य ज्ञान प्राप्त कराती है। जरा गौर करने की बात है, समझना। हम अमरनाथ जी में बैठे, एक बार की बात है कि भगवान शंकर अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे। अगस्त ऋषि के कहाँ गए थे? नाम सुना है अगस्त का? इनका एक नाम है कुंभज। क्या नाम है? कुंभज। पता है क्यों कहते हैं इनको? इनका जन्म कुंभ में से हुआ था, घड़े में से, मटके में से। काय में से हुआ था? बोलो ना। आप जरा विचार करना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कोई कह रहा था कि जज साहब भी आए हुए हैं। कहां से आए थे? जलंधर से। पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात को समझेंगे। हमारे हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, हमारे हिंदुओं के जो वेद पुराण हैं, ये पूरा का पूरा विज्ञान है, ये पूरा का पूरा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वेद कतेब कहो नहीं झूठे, झूठा सोई जो ना ही विचारे। जो इनके ऊपर विचार नहीं करता है, झूठा वो है। वेद और पुराण तो महाराज जितने भी हैं, ये विज्ञान के ऊपर ही आधारित हैं। शंकर जी एक बार गए कुंभज ऋषि के यहाँ। कहाँ गए? कुंभज नाम है अगस्त ऋषि का। इनका नाम कुंभज क्यों पड़ा पता है? मटके में से पैदा हुए। काय में से पैदा हुए थे? बोलो, टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्या है? बोलो, बेबी चला नहीं,
हमारे हिंदुओं के यहाँ तो ये बड़ा पुराना था, माता सीता जी मटके में से पैदा हुई, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है तो और क्या है, बोलो जरा। अरे टेस्ट ट्यूब बेबी छोड़ो, हमारे यहाँ तो क्लोन बेबी भी हुआ करते थे। क्लोन बेबी, बाप के मरने के 20,000 साल बाद हड्डी का मंथन करके बच्चा पैदा करना, आज ये वैज्ञानिकों ने खोज दिया। हमारे यहाँ राजा पृथु, जिनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, वो अपने पिता की मृत्यु के 20,000 साल बाद पैदा हुए थे। कैसे? उनकी भुजाओं की हड्डी निकाल करके ऋषि मुनियों ने मंथन करके उनको पैदा किया था। बोलो ये क्लोन बेबी थे कि नहीं? ये अपने भारत का विज्ञान है, कोई डॉक्टर बैठा हो तो उससे पूछना। ये जो प्लास्टिक सर्जरी करने की परंपरा है, ये हमारे भारत में चली। कहाँ चली? हमारे हिंदुओं में चली महाराज। जिसको आप लोग कहते हैं कि किसी की आंखें निकाली किसी को लगा दी, किसी का हृदय निकाला किसी को लगा दिया, किसी की किडनी निकाली किसी को लगा दी, ये तो अपने बहुत पहले होता था। और तुमको भरोसा नहीं तो शंकर जी से मिल के आओ। सबसे बड़े डॉक्टर थे भगवान शंकर। सबसे बड़े डॉक्टर कौन थे? बोलो ना। गणेश जी को हाथी का मस्तक लगा दिया। बोलो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कोई कर देगा क्या? बोलो बोलो बोलो, बोलो। ऐसा अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट कोई करेगा? नहीं करेगा। अपने ससुर राजा दक्ष को बकरे का मस्तक लगा दिया। बोलो ऐसी सर्जरी कोई कर देगा? ये हमारे भारत की देन है। और गौर करना, जिसको आप लोग कहते दूरदर्शन, क्या कहते हैं? टेलीविजन, हिंदी में। अंग्रेजी में होता टेलीविजन और हिंदी में ये भी अपने यहाँ था, बड़ा पुराना था हमारा। अपने यहाँ तो टेलीविजन 5-7 हजार साल पुराना। आप कहोगे कैसे? अंधे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय ने पूरी महाभारत की लीला एक दीवार पर देख के बता दी। बोलो ये टेलीविजन नहीं था तो और क्या? विचार करो जरा, ये टेलीविजन था, ये अपने भारत की देन है हमारा। एक एक चीज हमारे, जिसको आप लोग हवाई जहाज कहते हो, ये हेलीकॉप्टर लगे ही हैं दर्शन करवाने के लिए। ये उड़न खटोले तो बड़े पुराने थे हमारे। वो पुष्पक विमान जिसमें भगवान श्री राम लंका से अयोध्या लौटे थे, जिसमें रावण जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण करके ले गया था, बोलो वो हवाई जहाज था कि नहीं था? बोलो। और एक बात जरा प्राइवेट बता दूं, कहना नहीं किसी को, ये हवाई जहाज भी बड़े गजब के थे पुराने वाले। वो कैसे? ना तो इनमें पेट्रोल लगता था और ना इनमें पायलट लगता था। ना पायलट की जरूरत और ना सोलर थे। सोलर कैसे चलते थे? कभी सुना कि राम जी ने पेट्रोल भरवाया या रावण ने पेट्रोल भरवाया? बढ़ाए कांग्रेस सरकार कितना मर्जी पेट्रोल का दाम, राम जी के पुष्पक विमान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आई बात? तो ये तो सब अपने भारत की देन है महाराज। एक एक चीज हमारे भारत में जन्मी, एक एक चीज की व्यवस्था हमारे भारत में बनी, ये सब हमारे भारत की देन है। एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अब आप पूछेंगे क्या करने गए? बोले सत्संग करने के लिए। शंकर जी कहाँ गए? रहते हैं कैलाश पर। और सत्संग करने के लिए कहाँ गए? और कुंभज ऋषि का आश्रम है दक्षिण में। रहते हैं कैलाश पर और उतर करके आए नीचे, किसके लिए? सत्संग के लिए। अरे आप कितने भाग्यशाली लोग हैं कि आप सत्संग के लिए नीचे से ऊपर आए हैं। भगवान शंकर को तो सत्संग के लिए ऊपर से नीचे जाना पड़ा। आप लोग कितने भाग्यशाली कि नीचे से, अरे बोलो, ये बात अलग है कि अभी ऊपर जाना कोई चाहता नहीं है। तुम्हारे वाला ऊपर नहीं है, हमारे वाला ऊपर। हमारा ऊपर की बात, अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ जाना, अपने ज्ञान में ऊपर उठ जाना, जगत की भाव दशा से ऊपर उठ जाना। और पहली सीढ़ी आज आपने ऊपर उठने की चढ़ दी है। आज आप ऊपर चढ़ गए हैं, आज आप ऊपर, बोलो हाँ, आपने प्रारंभ कर दी है के आए कैलाश से कथा सुनने के लिए। कैलाश पर्वत पर जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी अकेली रह गई। माँ पार्वती जी, बोलो। आप लोगों को एक बात बता दूं, आगे नहीं कहना किसी को, कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ, यज्ञ करने जाओ, दान करने जाओ, कहीं भी जाओ, अपनी पत्नी को हो सके तो साथ लेके जाओ। अपनी पत्नी को हो सके तो, जिनकी है, जिनकी, जिनकी नहीं है उनको तो मारा फिर क्या कहना, जिनकी है और जिनकी कहना मानती है, जिनकी है और जिनकी, बोलो,
आम तौर पे कांगर वालियां कहना मानती आज तक महाराज, बड़ा मुश्किल मामला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी भी हंस रहे, इनको अपनी वाली याद आ रही कि हाँ भाई कहना तो मेरे वाली भी नहीं मानता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अमर भगवान शंकर अकेले चले गए, कैलाश पर्वत पर भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती ही रह गई। आज नारद जी के मन में आया कि कुछ लीला रची जाए, कुछ बोलो। एक बात ध्यान रखना, नारद जी जहां भी आ जाएंगे वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही जाएंगे, वहां कुछ ना कुछ। लेकिन बड़े मजे की बात, आपको लगेगा कि गड़बड़ कर गए, नारद जी की गड़बड़ भी बहुत बहुत ऊंचे लेवल का काम कर जाती है। सामान्य व्यक्ति की उतनी बुद्धि काम नहीं करती। नारद जी के मन में आया कि कुछ लीला की जाए। तमूरे पर तार छेड़े और भगवान नारायण का नाम जप करना शुरू कर दिया। आई दो चार मिनट हम भी नाम जप कर लें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन। आपको एक बात बताऊं, जो कीर्तन में ताड़ी नहीं बजाता ना, उसको अगले जन्म में लोगों के घरों में जाके ताड़ी बजानी पड़ती है। समझ गए पंडित जी? माला रख दो कोने में, ताड़ी बजा लो, नहीं तो आगे खतरा काहे हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण को मौका मिले इस जीव का सदुपयोग कर लिया कर। जब भी मौका मिले इस जीव का एक प्रार्थना याद कर लो। चलो मेरे साथ, चलो हाथ जोड़ो दोनों, बोलो हे जीव महारानी। और किसी की प्रार्थना करो ना करो, इसकी जरूर करो। बोलो हे जीव महारानी, हम तुम्हारी हर रोज बहुत सेवा करेंगे, तुमको रोज गोलगप्पे खिलाएंगे। बोलो 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 बोलो, हम तेरी बहुत सेवा करेंगे, लेकिन बदले में तुम भी हमारी सेवा कर देना कि परमात्मा का नाम लेके बार बार हिलती रहना। इस जीव की यही सार्थकता है महाराज, जितना बन सके जितना हो सके परमात्मा का भजन करो, जितना हो सके परमात्मा का भजन करो। ये सांस आपको ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। तार छेड़ रहे हैं और गंगा के पवित्र किनारे पर चल रहे हैं और नारायण का भजन कर रहे हैं, नारायण का। बोलो देखो, जब भी तुम तीर्थ में जाओ और कुछ करो ना करो, जितना बन सके भगवान का नाम जप करो, जितना बन सके भगवान का। आप लोग कभी हरिद्वार गए? हरिद्वार सर सारे गए, और जाना भी चाहिए, नहीं तो फिर हड्डियों की तरह वो पोटली में बंद के जाओगे। जीते जी भी एक दो चक्कर लगा लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो
क्या कहते तुम्हारे यहाँ फुल तार के आए पंजाबी में कहते, और हमारे यहाँ कहते अस्थि विसर्जन। हरिद्वार आप लोग गए होंगे, हाथ खड़े करो एक बार, कौन कौन गए? अरे बहुत लोग गए। चलो अब वो लोग हाथ खड़े करो जिन्होंने हरिद्वार में जाकर के दो दो घंटे भगवान का नाम जप किया, एक डेढ़ पौने दो बस ज्यादा नहीं। देखो हरिद्वार गए सब और भगवान का भजन किसी ने जल्दी से किया, मतलब क्या हुआ? तुम हरिद्वार में गए फोटो खिंचवाने, गंगा जी में डुबकी लगाई, फोटो खिंचवाई और आके कमरे में लगाई कि हम तो हरिद्वार होकर के आ गए। नहीं महाराज, तीर्थ में जाओ, जितना बन सके परमात्मा का भजन करो। और मैं आपको एक बात जिम्मेवारी से कह देता हूँ, हम लोग हरिद्वार में रहते इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं, कभी गंगा के किनारे पर बैठ करके या अमरनाथ जी के पास में बैठ करके, यहाँ जो गंगा बहती है अमर गंगा, इसके किनारे पर बैठ के कल, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, आंख बंद करके बैठना और भगवान का थोड़ी देर के लिए भजन करके देखना आंख बंद करके। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, आंख बंद करके जब तुम भजन करोगे, अनुभव करके देखना, जब हवा चलेगी ना हवा, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि तुमको लगेगा भगवान शंकर हमारे सिर के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं। आप कल ट्राई करके देख लेना, जाकर के बैठ के देखना, तीर्थ में जाकर के जितना बन सके उतना भगवान का भजन करना। महाराज यही जीवन की सार्थकता है, तीर्थ में आकर के अगर भजन नहीं किया तो फिर तो घर में ही ठीक थे। महाराज ऐसा मत, आप लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं तीर्थ में, तीर्थ में जाओ भजन करने, खूब खाओ पियो, खूब सत्संग करो और खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान का बोलो ना। बोले महाराज आपकी बाकी बातें माने के नहीं माने, पहले वाली मानेंगे। कौन से वाली? पहले वाली कौन सी थी? खूब खाएंगे और खूब के उतना भजन करो महाराज, यही जीवन की सार्थकता है, इसी से हमारा जीवन सफल होने वाला है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति हमको होने वाली है। विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। भगवान शंकर सत्संग के लिए गए, कहाँ गए? अरे बोलो। अगर बड़े मजे की बात है, किसी को पता ही नहीं कि सत्संग किसको कहते हैं, किसी को ये पता नहीं है कि सत्संग किसको। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है सत्संग में कि दो चार भजन गाए, दो चार माँ की भेंटे गाई और हो गया सत्संग। नहीं नहीं नहीं, सत्संग का मतलब ये नहीं, दो शब्द जुड़े हैं सत्संग में। कितने शब्द जुड़े हैं? सत और संग, दो शब्द हैं। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत का अंतिम सत्य तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कोई दूसरा सच्चा, बोलो ना किसका नाम सच्चा है? एक तू सच्चा और एक तेरा। भगवान का नाम कैसा है बोलो, मानते हो आप लोग? सभी मानते हैं, हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मानता है भगवान का नाम? सभी मानते हैं, तो बोलो मेरे साथ, राम नाम सत्य है। जोर से बोलो, सभी मानते हो? मुकरोगे तो नहीं? फिर बोलो राम नाम सत्संग। नहीं, ये मनोरंजन है, ये सत्संग नहीं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य नाम है परमात्मा का, और परमात्मा का संग करना यही सत्संग है। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा सत्संग हो नहीं सकता। भगवान शंकर सत्संग की महिमा देखिए तो सही, कैलाश से उतर करके सत्संग सुनने दक्षिण में गर्मी में पहुंच गए। मतलब क्या है कि सत्संग के लिए तपस्या करनी पड़े तो आप चिंता नहीं करना। अपने हिंदू धर्म में अधिकतर देवताओं के मठ मंदिर जितने भी बने हैं करीब करीब ऊंचाई पर बने, करीब करीब सभी पहाड़ों पर। कहाँ बने हैं? तुम्हारे यहाँ तो माता जी का नाम ही है पहाड़ों वाली माता है। कहाँ वाली माता? पहाड़ों वाली माता तो है, तुम्हारा बाप भी तो पहाड़ों वाला है, इसका भी कहा करो कभी मैं इसको तो कभी नहीं कहते। महाराज पहाड़ों का मतलब क्या है? पहाड़ों पे बसने का मतलब यही है ताकि परमात्मा तुमको तपश्चर्या करनी सिखा सके, ताकि परमात्मा सिखाए कि जब तप करोगे, जब जप करोगे तब मेरी प्राप्ति होगी, तप और जप के बिना मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं। ये सिद्धांत है हमारा, ये विचार करने की बात है। भगवान शंकर चले गए,
सत्संग करने के लिए नारद जी के मन में आया कि हमको भी कुछ लीला करनी। ये जितने संत होते ना सब बड़े बोलो ना, लेकिन बात जरा प्राइवेट है, कहना नहीं किसी को। संत लोग जितने मजे लेते हैं उतने तुम ले ही सकते नहीं, पक्की बात। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी पत्नी तो नहीं आई साथ? एक बात बता सच्ची सच्ची, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारी पत्नी ने कभी तुमसे हाथ जोड़ के पूछा स्वामी जी क्या खाओगे? बोलो बोलो। और हम इनके घर चले जाए ना, हमसे जरूर पूछेगी स्वामी जी क्या खाओगे। तो बोलो मजे तुम्हारे हैं क्या हमारे? शंकर अब सोचने दिया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर ये कथा कौन सी चल रही है, क्या सुना रहा हूँ मैं तुमको? ये शिव पुराण चल रही है। क्या चल रहा है बोलो? शक्लें तुमने गरुड़ पुराण जैसी बना रखी है। शक्लें देखो इनकी, जितना भोग चाहे होंगे। दोनों हाथ खोल के मिलके गाइए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। लीला रचनी चाहिए। महात्मा इनका कुछ पता नहीं लगता कब क्या लीला रच दे, कब क्या व्यवस्था कर दे। और आप एक बात ध्यान रखना, परमात्मा की करनी को महात्मा बदल सकते हैं, परमात्मा की करनी को महात्मा बदल सकते हैं, परमात्मा की करनी को परमात्मा बदल तो सकता है पर बदलता बोलो। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा की करनी को महात्मा बदल सकते हैं, लेकिन महात्मा की करनी को परमात्मा बदलता नहीं है। बदल तो सकता है
बदल सकता है परंतु बदलता क्यों भाई? अपने एजेंट से कभी कोई बिगाड़ता थोड़ी हो। महात्मा तो इनके एजेंट है, महात्मा इनकी कथा नहीं करेंगे, इनका कीर्तन नहीं करेंगे तो लोग कैसे इन तक पहुंचेंगे? महात्मा तो इनके अपने हैं, ऐसे तो आप लोग भी अपने हैं, आप लोग भी बेगाने नहीं, अपने नहीं होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, बाहर घूम रहे होते गंगा जी के किनारे पे गोलगप्पे खा रहे होते। आप इनके अपने हो, आप इनके, अरे बोलो ना, हम भी इनके अपने और आप भी, लेकिन हम जरा ज्यादा नजदीक वाले। आपने गन्ना देखा कभी? गन्ना, गन्ने नु की कहंदे पंजाबी च? कमाद। की कहंदे सरदार जी? कमाद। गन्ना सारा ही मीठा होंदा है पर जड़ लागे जरा ज्यादा मीठा होंदा, जड़ के पास में गन्ना जरा ज्यादा मीठा होता है, तो पूरा ही मीठा, लेकिन जो जड़ के पास वाली कोरी होगी ना वो कोरी जरा, बस तुम सब परमात्मा को प्रिय हो, ये संत भी परमात्मा को प्रिय हैं, लेकिन ये जरा नजदीक वाले हैं इसलिए जरा ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए जरा ज्यादा प्रिय हैं। नारद जी के मन में आया कि चलो आज कुछ लीला करी जाए। लीला करने के लिए नारद जी कैलाश पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर जो पहुंच जाए वो संत, कैलाश पर जो पहुंच जाए बोलो, वो चाहे घर में ही रहे कोई तकलीफ नहीं। और मजे की बात तो ये, जहां आप बैठे हो ये सारा का सारा कैलाश पर्वत है, ये सारा का सारा क्या है बोलो? तो तुम क्या बन गए? अब तुम्हारी घरवाली जरूर पूछेगी स्वामी जी क्या खाओगे? अरे पूछेगी, तुम बोलना यार, कभी तो पूछा कर, बाबा पूछ लेता भरे सत्संग, एक बार तो कई दिनों देखी जाए। महाराज नारद जी पहुंचे कैलाश पर, पार्वती जी विराजमान थी। नारद जी के मन में आया कि कुछ किया जाए, प्रणाम किया। पार्वती ने कहा अहो भाग्य महाराज, आज संत हमारे घर पधारे, हम कृत्य कृत्य हो गए। जे घर साध न सेवी है, हर की पूजा नाए, ते घर मरघट सारी के भूत बसे तिनमाए। गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र करते हैं महाराज नौवें बादशाह के, जिनके घरों में संत नहीं आते, जे घर साध न सेवी है, हर की पूजा नाए, ते घर मरघट सारी के भूत बसे तिनमाए। जिन घरों में कभी संत महापुरुष नहीं आते उन घरों में भूतों का निवास हो जाता है। उन घरों में बोलो ना, आप कहोगे महाराज दिखते तो नहीं भूत, दिखते लाल टी शर्ट पहन के अमरनाथ भी आ जाते कभी कभी। शंकर भगवान की, वो समझ गए समझने वाले। जे घर साधन सेवी है, हर की पूजा नाए, के घर मरघट सारी के भूत बसे तिनमाए। महाराज जिन घरों में संत आ जाते हैं समझ लेना कि वो घर पवित्र हो जाते हैं। जो मस्तक संतों के चरण में झुक जाता है समझ लेना कि यहाँ के सारे उल्टे ले सीधे हो गए। आपने कभी रबड़ की मोहर देखी होगी, रबड़ की मोहर, उसके ऊपर उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? लेकिन जब नीचे लगाते हैं तो अक्षर, बस ऐसे ही ये माथा जब संत महापुरुषों के चरणों में रख देते हैं, यहाँ के जितने उल्टे लेख हैं वो सारे उल्टे लेख परमात्मा सीधे कर देता है, वो सारे के सारे लेख परमेश्वर सीधे कर देता है। संत पहुंचे, पार्वती जी ने प्रणाम किया, आइए गुरुदेव कैसे आना हो? नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आज वो बूढ़े बैल वाले शंकर जी नजर नहीं आ रहे? बूढ़े बैल वाले, हाँ वो बूढ़े बैल वाले बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। पार्वती जी ने कहा वो कहीं गए होंगे सत्संग में, कथा कीर्तन में गए होंगे, जहां भी कथा कीर्तन उनको पता लग जाए हो रही है तो फिर सारा काम धाम छोड़ के कहां पहुंच जाते हैं? इसका मतलब यहां भी बोलो ना, आ गए होंगे कि नहीं? अब जिस जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको मिल जाएंगे, नहीं तो फिर बैठे रहो हाथ जोड़ के। बोले शंकर भगवान। नारद जी ने कहा कि देवी जरा ध्यान रखा करो, पता रखा करो कि शंकर जी कहाँ आते हैं और कहाँ, जरा ध्यान रखा करो। ये जो चुगलखोर होते ना, चुगलखोर आग लगाने वाले, वो इतना ही कह दिया बहुत होता है। नारद जी ने क्या कहा कि जरा ध्यान रखा करो। पार्वती जी बोली कि मारा कैसी बात करते हो, मेरे से बिना पूछे तो शंकर जी कुछ करते? आमतौर पे घरवालियों को ये गलत फहमी रहती है, और घरवालियां भी बड़ी गजब की, जितनी शंका अपने पति पर करती हैं उतनी किसी पर, दिन में 9 बार फोन करेगी, हैं जी किथे हो, पक्की बात। और पति भी बड़े चला, पति कहते गड्डी चलाने लग गया, घरे आंदा पिया। पति क्या कहता है? गाड़ी चला रहा हूं मैं, घर
और आगे घरवाली भी चलाक बरनाला की कहती फिर होरन बजा के दिखाओ कृष्ण कन्हैया लाल। पत्नियों को जितनी शंका अपने पति पर रहती उतनी तो किसी पर नहीं रहती। क्या कह रहे, झूठ तो नहीं बोल रहा? देखो ये सब गवाही दे रहे हैं। और मजे की बात तो ये चारों बुढ़ियां भी बोल के नहीं आ मारा सत्संग में तो सच बोला कम से कम, सत्संग में तो कम से कम हाँ सच बोला। महाराज पार्वती जी बोली कि मेरे से बिना पूछे तो भगवान कभी कोई काम करते। नारद जी को मौका मिल गया, बोले देवी जी फिर तो आपको शंकर जी के बारे में सब कुछ पता होगा। बोले हमारा पता है ना, जो क्या पूछना चाहते हो। नारद जी को मौका मिल गया, नारद जी बोले देवी अगर आपको शंकर जी के बारे में सब कुछ पता है तो कृपा करके थोड़ा ज्ञान हमको भी दे दो, थोड़ा सा ज्ञान। पार्वती बोली पूछो महाराज क्या पूछना है। नारद जी बोले बाकी तो सब कुछ पता है, एक ही बात नहीं पता। क्या नहीं पता? बोले शंकर जी के गले में ये जो मुंड माला पड़ी रहती है इसके मुंड कितने हैं और मुंड किसके हैं, मुंड किसके हैं और कितने प्रश्न किए, क्या क्या प्रश्न किए, मुंड किसके हैं और। पार्वती जी बोली महाराज बस ये ही नहीं पता बाकी सब कुछ पता, ये ही नहीं पता बाकी सब कुछ। आज तो आड़ा पंडारी आया बागपत तो मेरे को कहने महाराज की खाना है तुसी क्या खाओगे। मैं कहा क्या है तुम्हारे पास। बोले महाराज जो आप कहेंगे वही बन जाएगा, महाराज जो आप कहेंगे हाँ सब कुछ है हमारे पास। मैंने कहा जाओ फिर तोरी बना के लाओ। कह हमारे बाकी सब कुछ है तोरी नहीं है। अब देखो लोगों का स्वभाव है, पहले बड़ी बड़ी छोड़ देंगे और बाद में जब बात देनी लेनी आएगी तब। हमारा ध्यान रखना झूठ बोलो पर जरा संभल के बोलो, झूठ बोलो लेकिन जरा तुम बिना संभले बोल देते हो। और ध्यान देना कई बार बड़े बड़े नुकसान करा देता है, इसलिए पहले तोलो और फिर बोलो। महाराज न जाने कब हमारे मुख से क्या निकल जाए और क्या घटना घटित हो जाए, पहले विचार करो बोलने से पहले। देवी पार्वती कहती है नारद जी मुझे बाकी सब कुछ पता है, शंकर जी के गले में जो मुंड वाला है उसी का रहस्य मुझे पता। महाराज देवी पार्वती नहीं परेशान। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी जी अगर आपको पता लग जाए तो कृपा करके हमको भी बता दे, आपको अगर पता लग जाए तो कृपा करके हमको भी। पार्वती तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, नाम है तारकासुर। कब कब जब भगवान शंकर की पहली पत्नी जिसका नाम था देवी सती, जिसका नाम था देवी, आप जानते हैं कणखल नाम के नगर में बिना बुलाए अपने पिता के घर गई, बिना बुलाए अपने। देखो छह जगह ऐसी हैं जहां से निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, बाप के घर, गुरु के घर, राजा के घर, मित्र के घर, भगवान के घर और संत के घर, यहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत। लेकिन अगर वहां जाकर के कुछ अपमान होने का खतरा हो, भले कितना ही प्रेम हो, वहां जाना नहीं चाहिए। तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में जावत हर्ष न उपजे, नैनन बरसे ना ने, जहां जाने से प्यार ना मिले वहां जाना। अच्छा एक बात बताओ, आप अमरनाथ जी में आए हो किस लिए आए हो? आपको भगवान से प्यार होगा तभी आए हो कि ऐसे ही आ गए मुंह उठा के? ईमानदारी से बताना, भगवान से प्यार है तभी तो आए हो। जिसको भगवान से प्यार होता है उसको निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां आकर के अपमान होने का डर हो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। और ध्यान देना इस दुनिया में जितने भी दरवाजे हैं सब दरवाजों पर कभी ना कभी अपमान होने की संभावना है, सब दरवाजों पर अपमान होने की संभावना है, एक ही दरवाजा ऐसा है जहां आकर के आपका अपमान नहीं होगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपका सम्मान सदा के लिए बढ़ जाएगा, वो है शंकर जी का दरवाजा। अपने पिता के बिना बुलाए
22वीं सती यज्ञ में गई। कथा आप जानते हैं, यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी। भगवान शंकर ने शरीर उठाया कांधे पर, जला हुआ शरीर कांधे पर उठाया और महाराज भ्रमण करने लगे त्रैलोकी में। लेकिन जितने दिन तक, ध्यान देने की बात, शंकर जी त्रैलोकी भ्रमण करते रहे, श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों, उतने दिन तक इस धरती पर किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। उतने दिन इस धरती पर किसी की, शंकर जी जब तक घूमते रहे कोई मरा ही नहीं। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी, लेकिन नहीं ना, लोग पैदा होते रहे और मरना बंद हो जाए, फिर तुहानू बैठन नू भी थान नहीं मिलनी हैगी। इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाए कहां बैठो, अरे घर के लोग नहीं मरे तो घर में फौज इकट्ठी नहीं हो जाएगी क्या? मरने भी चाहिए और जन्मने भी चाहिए। आपने कभी मकान बनाया हो, कभी दुकान बनाई हो, जब लेंटर डालता है ना मिस्त्री, क्या डालता है, तो एक छोटा सा छेद छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? छेद। क्यों? कि जो पानी बरसेगा उसकी निकासी की भी कोई जगह होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जन्म भी जरूरी है तो मृत्यु भी जरूरी है। अगर किसान को आप कहो, जो किसान कोई जिम्मेदार खेत में फसल काट रहा हो, क्या काट रहा हो, आप उससे जाके कहो, भैया रे अगर तुझे फसल काटनी थी तो फिर बोई काहे को थी, पटियाले वाले, अगर फसल काटनी ही थी तो फिर बोई क्यों? तो किसान क्या कहेगा कि महाराज अगर काटेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? काटेंगे नहीं तो जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तुमको तुम्हारे कर्म का भोग मिलने वाला नहीं है। कई प्रकार के जन्मों में जाकर के ही आप अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। मृत्यु होनी बंद हो गई, देवता बड़े चिंतित हो गए कि धरती तो पाताल में चली जाए, क्या किया जाए। श्री हरि विष्णु जी को प्रार्थना की, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? और ध्यान देना, जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां भगवान शंकर भैरव के रूप में प्रकट हो गए। किसके रूप में? 52 शक्ति पीठ बने और 52 ही भैरव बने। विष्णु जी के 24 अवतार हैं, विष्णु जी के और शंकर जी के 52, 11 तो रुद्र हैं उनके, शंकर जी के ये 52 भैरव, इस शंकर जी के ही 52 अवतार हैं। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां शंकर जी भी प्रकट हुए। इसलिए आप किसी भी शक्ति पीठ में जाइए, आपको भैरव की मूर्ति जरूर, बोलो हाँ, सती के शरीर के जहां जहां टुकड़े गिरते गए वहां वहां शक्तिपीठ बनते गए। जहां चरण गिरे वहां चिंतपूर्णी नाम से विराजमान हुई। जहां चरण गिरे वहां, बोलो चिंतपूर्णी। जहां पर केश गिरे वहां कालिका, जहां वज्र गिरा रीढ़ की हड्डी वहां वज्रेश्वरी, जहां पर नैन गिरे वहां, लेकिन ये नैना देवी तुम्हारे वाली नहीं है, हिमाचल वाली नहीं, शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। वो जो नैना देवी कही गई है वो नैनीताल उत्तराखंड में, जो नैन गिरे वहां का वर्णन है। ये जो नैना देवी है ये तो नैना नाम का एक माँ भगवती का गुज्जर भक्त था, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, माँ ने उसको दर्शन दिया था, उसी के नाम से विराजमान हो गई थी, इसलिए नाम क्या पड़ा, नैना देवी नाम पड़ा। अनेक स्थानों पर माता जी के शरीर के टुकड़े गिरे और वहां वहां पर माता जी के साथ में भगवान भैरव भी प्रकट हुए। आपको पता है आप अमरनाथ में आए हैं, ये भी एक शक्ति पीठ है, ये भी एक, बोलो ना, माता जी की रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा यहाँ गिरा था। यहाँ के भैरव का नाम है अमरेश्वर, यहाँ के भैरव का नाम क्या है, बोलो अमरेश्वर, भैरव का नाम क्या है, अमरेश्वर का ही नाम बदल करके आज आप जिनको जानते हैं अमरनाथ जी के नाम से। किनके नाम से? बोलिए अमरनाथ भगवान। ये शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। आप चाहें तो श्रीमद देवी भागवत में ये कथा पूरी विस्तार से पढ़ सकते हैं। 52
शक्ति पीठ बने, बावन भैरव बने। जब शरीर से शंकर जी के वो सती का शरीर गिर गया, शंकर जी मुक्त होकर के, भार रहित होकर के कैलाश पर जाकर के तपस्या करने लगे। जब शंकर जी तपस्या में बैठे, उसी समय तारकासुर नाम के असुर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ बोलो, बोलो ना, तारकासुर। समझना बात, जब श्रेष्ठ व्यक्ति सो जाते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्ति समाधि में बैठ जाते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्ति कर्महीन हो जाते हैं, तो समाज में बुराइयां जन्म ले लेती हैं। तो समाज में शंकर जी सुषुप्त हो गए, समाधि में चले गए, तो बुराई रूप से तारकासुर का जन्म हुआ। उसने बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी की। किनकी तपस्या की? बहुत तपस्या की। यहाँ शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कैसी तपस्या की। बोले एक पांव पर खड़े होकर के इतनी तपस्या की कि आधे शरीर में घुन लग गई, दीमक। आधे शरीर में, आधे शरीर को दीमक ने खा लिया, केवल हड्डियों में प्राण बचे। तब भी तपस्या करता रहा। ध्यान देना, जितनी तपस्या राक्षसों ने की है ना, उतनी तपस्या देवताओं ने नहीं की। तपस्या ज्यादा कितने की? देवताओं ने नहीं, लेकिन पूजा किसकी होती है? बोलो, क्या कारण होगा? देवताओं ने भी तपस्या की, दानवों ने भी तपस्या की, लेकिन पूजा होती है देवताओं की, दानवों की नहीं। क्यों? क्योंकि दानवों की तपस्या थी तो बहुत अधिक, लेकिन दूसरों को दुख देने के लिए थी। तपस्या थी तो बहुत, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए। ध्यान देना, मेरी बात को बुरा मत मानना। आज के समय में हम भी श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं, 80% हमारे श्रेष्ठ कर्म दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। हम मन्नारे लगाते हैं, हम जागरण कराते हैं, हमारा बुरा नहीं मानना। जागरण में हम उस मंडली को बुलाते हैं जिसका बहुत नाम हो, जिसका बहुत टेलीविजन में आता हो, भाई उसने भी भजन गाने और दूसरे ने भी, बोलो ना। हमारे पास लोग कथा कराने के लिए आते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि महाराज आप टेलीविजन में आते हो कि नहीं आते? टेलीविजन में आते। गुरु वो होना चाहिए जो आपकी पकड़ में हो, जिससे आप बात कर सकें। वो गुरु क्या जो तुमसे मिले नहीं पाए? सोचना जरा, जो गुरु आज तुमको यहाँ नहीं पहचानते, वो वहां क्या पहचानेंगे? आजकल लाखों करोड़ों शिष्य लोग बना लेते हैं, लेकिन अपने शिष्य का नाम नहीं पता होता, अपने शिष्य की शक्ल नहीं पता होता, तो क्या फायदा ऐसे गुरु बनने का? गुरु वो होना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सके, जो शिष्य का कल्याण कर सके, जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। ध्यान रखना इसका। तारकासुर ने बहुत तपस्या की अमर हो जाने के लिए। ब्रह्मा जी की तपस्या क्या? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सिर पर हाथ रखा, तारकासुर जैसा घर से आया था दोबारा वैसा बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मान। उसने कहा महाराज आप वरदान लेना चाहते हैं तो मुझे अमर बना दीजिए, वरदान लेना चाहते हैं तो मुझे, अरे बोलो ना। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी बोले मुझे पहले ही पता था तू क्या मांगेगा और तुझे क्या देना पड़ेगा। हमारा देने वाले को पता होता है किसको क्या देना है। हमारे भंडारे वाले पर्ची काटने जाते हैं ना, जब किसी की लाला के यहाँ किसी के यहाँ, तो लाला को पता होता है कि सतीश जी आए हैं 11,000 से कम जाने वाले। वहां देने वाले को पता होता है कि किसको क्या देना है, देने वाले को पता होता है किसको क्या, लेकिन देने वाले भी कई बार बड़े गजब के होते हैं, देने वाले भी कई बार बड़े। तुम्हारे बरनाला की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम जाके कह दोगे लाला को। मैंने बरनाला में कथा की है, पर सुनने जैसी बात है। सवेरे सवेरे का समय मैं थोड़ा भंडारा करता हूँ बद्रीनाथ जी में आता। मैंने सोचा थोड़ी बहुत धनराशि इकट्ठी कर ले भंडारे के, किसी के घर गए लाला जी का नाम तो ठीक नहीं, भाई आप तो समझ गए होंगे। आइए महाराज, आइए घर गए। की लोगे महाराज? चा लोगे कि ठंडा लोगे? मैं तो ठंडा नहीं पीने, चा भी नहीं पीने। कहने नहीं महाराज कुछ ते ले लो। मैं कह नहीं भाई कुछ हमको, बोले महाराज चाय पी लो। मैं कह नहीं पी। कहते महाराज दूध पी लो। मैं कह नहीं पी। कह महाराज फिर जूस पी लो। मैं कह नहीं पीना। फिर पता क्या बोला? कहना महाराज तुहानू सौ लगे जे पानी ना पिए। क्या बोला महाराज? तुहानू
सौ लगे जे मोया सौ ही देनी सी घट्टो घट दुध की जा देनी सी पानी ना पिया कौन लगे मारा तुम सौ लगे जो पानी ना पिया बोलो फिर मारा बोली कैसे आना हो मैं कहा लाला जी थोड़ी पर्ची कट्टन आए आपसे चंदा लेने आए बोले मारा आज्ञा करो क्या देना है मैंने सोचा लाला बड़ा दयावान है अपने आप कह रहा है मांग लो मैं कहा लाला जी 55,000 रुपए की पर्ची कट दे कितने की बोलो ना किसी बोलता ले देना थोड़ी कितने अंदर गया सतीश जी किसी नाल से अंदर गया चेकबुक लेके आया क्या लेके आया फटाफट 51,000 की पर्ची काट के मेरे हाथ में दे दिया 51,000 का चेक मैं भी बड़ा कुछ भूल गया आप तो बढ़िया लाला पड़ गया सवेरे से आपको हैरानी होगी 11 बजे मैं गया बैंक में वो चेक लेके मैनेजर को दिया मैनेजर साहब ये चेक कैश कर कहना महाराज माफ करना मैनेजर कहते महाराज माफ करना लेकिन आपका ये चेक कैश होने वाला मैंने कहा क्यों अरे महाराज इस चेक के ऊपर तो साइन भी नहीं किया इस चेक के ऊपर मैंने सोचा जल्दी में लाला भूल गया होगा मैंने मोबाइल में लाला जी आपने जो चेक किया था उसके ऊपर आपने साइन आगे से लाला बोला महाराज माफ करना साइन में करूंगा भी नहीं क्या बोला महाराज मैं साइन नहीं करूंगा मैंने कहा क्यों कहता महाराज मैं जो भी दान करता हूँ ना गुप्त दान करता हूँ नाम लिख के नहीं करता तो तेरे गुप्त दान को चाहे ऐसा तुम्हारे दान नहीं तो देने वाले को पता होता है किसको क्या देना है ब्रह्मा जी बोले मुझे पता था कि तू क्या मांगेगा तूने मांगा है अमर बनने की बात लेकिन अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूँ जब मैं खुद ही मरने वाला हूँ तो फिर तुझे अमर कैसे बना सकता हूँ ध्यान देना भागवत जी ने और शिव महापुराण में ब्रह्मा जी की भी उम्र लिखी है ब्रह्मा जी की भी कितने दिन जीना कबीरदास जी एक पद लिखते हैं साधो ये मुर्दन के गांव साधो ये राजा मरी है प्रजा मरी है देश तमाम साधो ये मुर्दों के गांव ये जिस दुनिया में तुम जी रहे हो ये मुर्दों का गांव है किसका गांव आज एक चला गया कल दूसरा परसों तीसरा एक ना एक की रोज बारी लगी रहती है एक ना एक की रोज बारी बोलो ना मुर्दों का गांव एक बात मेरे को ध्यान आई ऋषिकेश अपने आश्रम के बगल में शमशान घाट ऋषिकेश में अपने आश्रम के ठीक बगल में शमशान घाट वहाँ एक अवधूत बाबा रहता है उसका नाम है अरुण थोड़ा पतला सा दोपहर का समय था बनी घंटा नहीं सी दोपहर के समय में मैं अपने कमरे में आराम कर रहा वो पतला सा बाबा थोड़ा पागल डिप्रेशन का मारा हुआ मेरे कमरे में आया थोड़ा हुआ दरवाजा खटखटाया मैंने कहा क्या हुआ अरुण बोला महाराज जी बोलो कहता महाराज जी चार मुर्दे मिलके एक मुर्दे को उठा के ला रहे चार मुर्दे मिलके एक बोलो अब मेरे को बात ही समझ नहीं आई है क्या रहा मैं उठ के गया दौड़ करके देखूं तो सही क्या मामला जाके क्या देखा कि चार आदमी एक मुर्दे को उठा के ला रहे मैं कहा क्यों रे यार झूठ बोलता है तू तो कह रहा था कि चार मुर्दे मिलके एक मुर्दा ला रहा ये तो जिन्ना बोला नहीं महाराज आपको नहीं पता ये भी मुर्दे ये भी वो कैसे बोला महाराज जी ये जो अर्थी के ऊपर लेटा हुआ है ना ये तो है वर्तमान का मुर्दा ये जो अर्थी के ऊपर लेटा है ये तो है वर्तमान का मुर्दा और ये जो चार उठा करके ला रहे हैं ये है भविष्य के ये है थोड़े देर के बाद ये भी मुर्दे ही होने वाले हैं इनको भी कोई ना कोई उठा करके लाएगा मैंने कहा अरुण है तो तू पागल लेकिन आज तुमने बात बहुत पते की कर दी इस दुनिया में वास्तव में कोई भी रहने वाला नहीं रहना नहीं ये ठिकाना है गुरु नानक देव जी कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक जी कछ नहीं अपने क्यों संसार यहाँ तो राम को आना पड़ा तो राम को भी जाना पड़ा यहाँ कृष्ण को आना पड़ा तो कृष्ण को भी जाना पड़ा इस जगह का नाम है मृत्यु लोक इस जगह का नाम क्या है बोलो यहाँ पर जो आएगा उसकी मृत्यु जरूर होगी मृत्यु के बहाने अनेक लोगों को जान मृत्यु के
हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब है बहाने। ये सब क्या बोलो? कारण केवल एक। मृत्यु के बहाने हजार, लेकिन कारण केवल, वो कारण क्या है? वो कारण है जन्म। जिसका जन्म हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। महाराज, जन्म के साथ ही मृत्यु लिखी जाती है। हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, मनाना चाहिए, अच्छी बात है। बच्चों का बोलो, कहते हैं कि आज हमारा बच्चा बड़ा हो गया, आज हमारा बच्चा। गहराई से जांच के देखो, तुम्हारे बच्चे के जीवन में से एक साल कम हो गया, तुम्हारे बच्चे के जीवन में से एक वर्ष कम हो गया। हमारे पंजाब का एक गायक था, मुझे उसका एक याद आया शब्द, मैं कल तक नहीं रहना जिन्हें तिड़के कढ़ेगा पानी। तो एक एक बूंद चटके हुए घड़े में से, टूटे हुए मटके में से, जैसे एक एक बूंद पानी कम होता रहता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन रूपी मटके से एक एक श्वास तुम्हारी आयु कम होती जा रही है। महाराज, जन्म के साथ ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित कर दी गई। तारकासुर ने कहा, महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो मैं भी नहीं, तो तुझे अमर कैसे बना, कुछ और मांग। तारकासुर ने चलाकी चल जाए, तारकासुर ने बोलो ना, कई कई लोग बड़े चलाक होते हैं, कई कई लोग बड़े, ऐसे तो तुम सारे ही हो। चलाकी का तो क्या कहना, खैर महाराज पूछो ही नहीं। एक से एक बढ़िया चलाक मिलते हैं, एक से एक बढ़िया, बोलो ना, एक से एक बढ़िया चलाक मिलते हैं, एक से एक गजब से गजब। अब सबका तो नाम भी लूंगा तो रात यही बस कथा हो जाएगी पूरी। महाराज, तारकासुर ने चलाकी क्या चली, जिस पर्वत के ऊपर खड़ा था अपने शरीर को बड़ा करके चारों ओर देखने लगा, चारों ओर। उसकी दृष्टि कैलाश पर्वत पर चली गई। दृष्टि कहाँ चली गई? कैलाश पर कौन बैठे थे? भगवान शंकर समाधि, शंकर जी। अब तारकासुर को पता था कि इनकी पत्नी का अंत हो चुका, इनकी पत्नी का अंत, इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तारकासुर ने वरदान क्या मांगा ब्रह्मा जी से? हे ब्रह्मा जी, अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो, अगर मुझे कोई मारे तो शंकर जी का पुत्र मारे, कोई और मुझे मार नहीं सके। शंकर जी का बेटा मारे, कौन मारे? क्यों चलाकी क्या चली? तारकासुर जानता है जब घरवाली है नहीं तो फिर बेटा कहां से आएगा, तो घरवाली जा चुकी है तो बेटा होने का कोई उपाय नहीं। शास्त्र कहता है, मूलो न अस्ति कुतो शाखा, जिसकी जड़ नहीं होती उसकी शाखाएं भी नहीं होती। ब्रह्मा जी ने एव मस्तु कह दिया, तारकासुर तुझे शंकर जी का पुत्र ही मारा। इतना कह के ब्रह्मा जी को अंतर ध्यान हो। अब तारकासुर को लगा कि मैं कभी मरने वाला नहीं। ध्यान देने की बात, जब जीव को लगता है कि मैं मरने वाला नहीं तब बुरे कर्म करता है, और जब जीव को पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ तब उसकी प्रवृत्ति अच्छे कर्मों में हो जाती है। आप में से कौन कौन ऊपर दर्शन करके आए? एक बार हाथ खड़े करो। करके आ गए सब करके आ गए। अरे घोड़े पे गए थे पैदल? चलो हाथ नीचे करो। घोड़े पे जो गए थे हाथ खड़े? हाँ। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलो। जब घोड़ा जरा किनारे पे चलता है तो बम बम डोले ज्यादा निकलती कि नहीं? निकलती। जब महाराज मृत्यु नजर आती है तब परमात्मा की स्मृति हो जाती है। इसलिए दो चीजें याद रखना, एक भगवान को और एक मौत, एक भगवान को और जिसको मृत्यु याद रहेगी महाराज उसका पतन नहीं होगा, वो सत्कर्म करेगा। मैंने आपको एक दिन बात बताई थी, बाबा बुल्ले शाह की। बाबा बुल्ले शाह गांव के बाहर से गुजर रहे थे, औरतें चरखा काट रही थी। एक छोटी लड़की से पूछा, बेटी तू चरखा क्यों काटती है, तेरी तो उम्र भी कम है। उस लड़की ने कहा, बाबा जी आपको नहीं पता, मुझे एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ेगा, मुझको एक दिन अपने पति के घर जाना पड़ेगा, मैं अपने पति के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, अपने पति के घर जाने की दहेज का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, पति के घर जितना दहेज लेकर के जाऊंगी उतनी मेरी ज्यादा इज्जत होगी। बाबा बुल्ले शाह उस लड़की के पांव में गिर गए, बाबा बुल्ले शाह उस लड़की के पांव में गिर गए।
और कहने लगे बेटी आज से तू मेरी गुरु है। महाराज बुल्ले शाह कहते कि बेटी तुझे पता है कि अपने पति के घर जाना है, मुझे भी पता है कि मैंने अपने पति के घर जाना है, लेकिन तूने तैयारी शुरू कर दी, मैंने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की। गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र आता है कि बाबा बुल्ले शाह की वाणी को नानक देव जी ने अपने शब्दों में लिया है, साथ में चाले बिन भजन मिथ्या सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। महाराज परमात्मा के घर सिवाय सत्कर्म के, सिवाय नाम की कमाई के कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो कुछ तुमने प्राप्त किया वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, दो बोलाइए। बोले शंकर भगवान एक दिन माही के कर जाना निजिंदे कोई चाच दिखले ये भजन सबने नहीं गाना, नहीं सबने गाना ये भजन, केवल वो गाएंगे जिनको लगता है कि जाना है, जिनको लगता है कि जिन्होंने रहना है वो बिल्कुल ना गाना। समझ गए? एक दिन माही के घर जाना जिंदे कोई चाच सिख ले, एक दिन माही के घर जाना जिंदे कोई चाच सिख ले, तेरे पे पपेरा बच जाना जिंदे कोई चाच सिख ले, तेरे पे पपेरा बच विचार करो, पता नहीं कब घंटी बज जाने वाली है, इसलिए तैयारी रखना, सत्कर्म करना। आप अमरनाथ जी के लिए आए हो, अगर आप सुबह 4 बजे गाड़ी में बैठे वो तो दानव ही हो सकता है। विचार करना, इस बात को सोचना जरा, परमात्मा ने बुद्धि दिया है तुमको, विचार करना, चिंतन करना। तारकासुर ने अपनी पूजा शुरू कराई, चारों ओर आतंक फैल गया, यज्ञ बंद हो गए, पूजाएं बंद हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। अब पूरी पृथ्वी पर सत्कर्म बंद हो गए। तारकासुर अति बलशाली होकर के स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को भी परास्त कर देता है। देवता हार गए और कहते हैं कि पर्वतों की गुफाओं में छुप करके देवताओं ने अपना समय बिताया। देवताओं ने कहां समय बिताया?
गुफाओं में छिप के कि कहीं तारकासुर आके हमको मार ना दे। देवताओं को भी मारे मारे घूमना पड़ा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। कर्मों की गति बड़ी, हमारे ध्यान देने की बात है। देवताओं को कौन से कर्म का दंड मिला है? देवता राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल हुए थे। कहां शामिल हुए थे? शंकर जी के विरोध में जो यज्ञ कराया गया था, उस यज्ञ में देवता शामिल हुए थे। उसी कर्म का आज परिणाम ऐसा मिल रहा है कि देवताओं को मारे मारे भटकना पड़ रहा है। देवताओं को बोलो, बड़े दुखी थे। अब विचार करने लगे कि हमको हमारा पद दोबारा कैसे मिले। कोई MLA विधायक, कोई MP हार जाए ना, हार जाए कोई MP अगर, या कोई विधायक, क्या कहते पंजाब में MLA, हार जाए तो अगले 5 साल वो उसी में लगा रहता है कि दोबारा कुर्सी कैसे मिले। देवता भी वैसे, देवता सोच रहे हैं कि दोबारा हमको हमारा पद कैसे प्राप्त हो। सोचा कि दोबारा पद तो हमको हमारे गुरु ही दिला सकते। दोबारा पद कौन दिला सकते बोलो? हमारा गुरु में सामर्थ्य है। गुरु तुमको वो दिला सकता है जिससे तुम अलग हो गए। गुरु तुमको वो दिला सकता है जिससे तुम बोलो, हाँ गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य हमारा तुमको तुम्हारा पद दोबारा प्राप्त करा सकते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान। गुरु के पास गए, बृहस्पति जी के पास, गुरुदेव कृपा करें ये बताएं कि हम अपने पद पे कैसे पहुंचेंगे। गुरुदेव ने उपाय बताया कि अगर किसी तरीके से शंकर जी का विवाह करा दिया जाए, उनके अंश से जो बच्चा पैदा होगा वही तारकासुर को मारे। देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज ये तो हमको भी पता है, आप क्या बता रहे हैं? ये तो हमको भी पता है, आप क्या बताते हैं? गुरु ने कहा मैं उपाय बताऊंगा। गुरु क्या बोले? देखो तुम सबको पता है कि नाम जपेंगे तो कल्याण होगा। सबको पता है कि नहीं? कि किसको नहीं पता कि नाम जपने से कल्याण होगा? लेकिन नाम कौन बताएगा, उपाय कौन बताएगा? उपाय गुरु बताएगा, उपाय संत फकीर बताएंगे। ध्यान देना, जीवन में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। कितनी चीजें? एक संत, एक ग्रंथ और एक मंत्र। कितनी चीजें? एक संत, एक ग्रंथ और एक, जिसके जीवन में ये 3 चीजें हैं महाराज, कदाचित उसका पतन होने वाला। 3 चीजें गुरु ने उपाय बताया कि ऐसा करो, पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जाओ। पिछले जन्म में पर्वतराज हिमाचल ने माँ भगवती की तपस्या की थी। माँ भगवती ने उनको वरदान दिया था कि मैं कन्या बन करके तुम्हारे घर जन्म लूंगी। अब पर्वतराज अगर माँ भगवती को पुकारेंगे तो माँ भगवती उनके घर कन्या बन करके जन्म लेगी। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, उपाय पता लग गए। उपाय पता लग गया तो बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी को प्रणाम करके चले। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की माँ भगवती की। और सूत जी कहते ऋषियों, 1 वर्ष तक लगातार निराहार रह करके जब हिमाचल ने तपस्या की तो 8 भुजा धारण करके, कितनी भुजा धारण करके, माँ चंडिका जी ने पर्वतराज को दर्शन दिया। हे पर्वतराज मांगो, क्या मांगती हो? तो पर्वतराज ने कहा भगवती आप तो पूरे जगत की माता है, आप तो पूरे जगत की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बनकर, मेरी कन्या बनकर के आप मेरे घर पधार। तपस्या करने के बाद क्या मांगा बोलो? बेटा भी मांग सकते थे। क्या मांगा? वर करना बार बार। तपस्या करके बेटी मांगी, क्योंकि बेटा केवल 1 कुल का कल्याण करता है और बेटी 2 कुलों का कल्याण करती है, मायके का भी और ससुराल का। 2 कुलों का कल्याण कर बेटी मांगी। ध्यान देना, आपके पंजाब में सबसे ज्यादा जगराती होती है। सबसे ज्यादा जगराते बोलो, किसी भी देवी पे चले जाओ, नैना देवी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चम, कहीं भी, सबसे ज्यादा मिलेंगे पंजाबी। कौन मिलेंगे? और सबसे ज्यादा जय माता दी, जय माता दी भी कौन करेंगे?
बोलो माता की सबसे ज्यादा पुत्री ने, मैं तेरे घर कन्या बनकर के आऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, पहले तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। माँ भगवती अंतर्ध्यान हुई, जिस रूप का हिमाचल में दर्शन किया था वैसी ही मूर्ति बनाई और माँ की पूजा करने लगा। जैसे रूप को देखा वैसे ही बोलो। कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करने से क्या होगा, पत्थर पूजने से क्या होगा, उनको कुछ पता ही नहीं। हम पत्थर की पूजा नहीं करते हिंदू, नहीं, हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी की घटी घटना। शंकर जी की शादी आज नहीं, विरोध अंदर करा देंगे, कौन सी तकलीफ, कौन से परेशान हो रहे हैं बेचारे शंकर जी।